bro. I love you. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि गाइज इस वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि ट्रेंडिंग सॉन्ग पर रील्स को कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो गाइज उसी के बारे में आज की इस वीडियो में सब कुछ आसान तरीके से बताने वाला हूँ। तो गाइज आपको वीडियो को लाइव तक फुल वॉच कर लेना है, तभी आपको वीडियो समझ में आएगा। दोस्तों, हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर ले, क्योंकि गाइज आगे मेरे चैनल पर आपको ऐसे ही न्यू ट्रेंडिंग रील्स वीडियो के ट्यूटोरियल मिलते रहेंगे। तो गाइज चलिए अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और आपको वीडियो की पूरी प्रोसेस बताते हैं। तो गाइज चलिए। सो गाइज, इस तरीके का रील्स वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें वीएन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। वीएन एप्लीकेशन को ओपन कर लेने के बाद गाइज मेरे सामने कुछ इस पैराग्राफ पे स्कूल के सामने आ जाता है। मुझे सिंपली से प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देने के बाद दोस्तों न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देने के बाद दोस्तों ये लिरिक्स वाला 4 सेकंड वाला वीडियो यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। तो दोस्तों ये लिरिक्स वाला वीडियो मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करके रखा है, आप इजीली चाहिए वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, इसको चूज़ कर सकते हो। इसको चूज़ कर देने के बाद दोस्तों आपके सामने जो नीचे एरो पे दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों प्रोसेसिंग होने लग गए हैं। कुछ समय के बाद दोस्तों ये वीडियो मेरे सामने आ जाता है, तब तक आप वेट कर लीजिएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो वीडियो मेरे सामने आ जाता है। तो गाइज मुझे लाइस्टर में चले जाना है। लाइस्टर में जाने के बाद दोस्तों ये ब्लैक बैकग्राउंड को डिलीट कर देना है। सबसे पहले इसको डिलीट कर देने के बाद गाइज मुझे फिर से प्लस वाले आइकन पे चले जाना है। प्लस वाले आइकन पे जाने के बाद दोस्तों मुझे फिर से वीडियो वाले ऑप्शन पे चले जाना है। वीडियो वाले ऑप्शन पे जाने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे वीडियो भी सिलेक्ट कर सकते हो और फोटो भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को क्रिएट करने के लिए मेरा वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ अपने दोस्त के साथ। तो दोस्तों मुझे यहाँ से इस वीडियो को स्प्लिट कर लेना होगा, वीडियो ज़्यादा लंबा है इसीलिए, और एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर देना होगा। इसको डिलीट कर देने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से लग रहा है मेरा वीडियो। इसको कर लेने के बाद दोस्तों मुझे वीडियो के फर्स्ट में आ जाना है और इसका ऑडियो है उसको म्यूट कर देना है। इसको म्यूट कर देने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो अपना वीडियो। इसको कर लेने के बाद दोस्तों मुझे म्यूजिक वाले ऑप्शन पे चले जाना है। म्यूजिक वाले ऑप्शन पे जाने के बाद दोस्तों एक म्यूजिक को यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। तो दोस्तों उसके लिए मुझे प्लस वाले आइकन पे चले जाना है जो कोने में दिख रहा है, इस पे चले जाना है। फ्रॉम वीडियो पे चलेना है। फ्रॉम वीडियो पे जाने के बाद दोस्तों इसका ओरिजिनल वीडियो को यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। वीडियो से मुझे इसका ऑडियो निकालना है। तो दोस्तों मुझे यहाँ पे कुछ भी नाम दे देना होगा अपने हिसाब से, गाइज आपको कुछ भी नाम दे देना होगा और इस वीडियो से ऑडियो निकाल लेना होगा कुछ इस प्रकार से, जैसे कि दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको भी इसी प्रकार से कर लेना होगा। तो गाइज मुझे यहाँ से चूज़ कर लेना होगा इसका ऑडियो। तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा ऑडियो बाहर निकल के आ जाता है वीडियो से। इतना हो जाने के बाद गाइज मुझे वीडियो के लाइस्टर में चले जाना है। लाइस्टर में जाने के बाद दोस्तों मेरे ऑडियो के बराबर मेरे वीडियो को रख देना है और एक्स्ट्रा पार्ट को स्प्लिट करके डिलीट कर देना है कुछ इस प्रकार से। इसको कर देने के बाद गाइज मुझे दोनों पार्टों के बीच में जो प्लस वाला आइकन दिख रहा है इस पर चले जाना है। इस पर जाने के बाद दोस्तों मुझे जूम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और जूम को सिलेक्ट कर देना है कुछ इस प्रकार से, देख सकते हो। इसको कर लेने के बाद दोस्तों मुझे एफएक्स पे चले जाना है। वीडियो के फर्स्ट में आके एफएक्स पे चले जाना है और एफएक्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। तो दोस्तों मैं फर्स्ट वाला यहाँ पे डिलीट को कर लेता हूँ और डन कर देता हूँ। डन कर लेने के बाद दोस्तों मुझे यहाँ से सिलेक्ट कर देना है इस वीडियो को। इसको कर देने के बाद दोस्तों इस पर चले जाना है और जूम आउट वाला इफेक्ट सिलेक्ट कर देना है कुछ इतने में ही कर देना है। इसको कर लेने के बाद दोस्तों आपको सेकेंड पार्ट में चले जाना है और इसमें जूम इन वाला कर देना है और डन कर देना है। डन कर लेने के बाद दोस्तों आपका वीडियो बन के रेडी हो चुका है। मैं वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ वीडियो कैसा बनाया। तो दोस्तों आप देख सकते हो। तो गाइज इसका ऑडियो तो मैं आपको सुना नहीं सकता क्योंकि मुझे कॉपीराइट क्लेम मिल सकता है आपको, इसीलिए इसका ऑडियो नहीं सुना सकता, उसके लिए सॉरी। अगर दोस्तों आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जाओ प्लीज़ इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, मैं आपको फॉलो बैक कर दूंगा। और गाइज उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो गाइज मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।